वेलकम टू जी जाइकस किचन। व्यूवर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, नवाबों की पसंद, बादशाहों की पसंद। और बड़े शौक से ये हिरण का शिकार किया करते थे। ये हिरण का गोश्त है और जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज मैं इसकी कढ़ाई बनानी है, आपको बताऊँगी कैसे बनानी है। एक कप मैंने लिया पैन में घी, और इसमें मैंने लिया है एक प्याज दरमियाने साइज़ का, और स्लाइस कटिंग कर लिया वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और वो ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से ना मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कलर नहीं लेके आएंगे, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको वाइट ही रखेंगे। तो फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हल्का सा ये लाइट ब्राउन हुआ तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग ये हिरण का गोश्त। हिरण का गोश्त बनाना बड़ा ट्रिकी का काम है। इसको पहले मैंने मैरिनेट किया था नमक लगा के, और साथ में इसमें लगाया था मैंने पपीता ताकि ये टेंडर हो जाए। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी, बहुत मज़े की आ रही है। और ये गोश्त जो था हिरण का, ये तकरीबन 1 kg था, 1 kg से तकरीबन 1200 ग्राम तक के था, यानी कि 1.25 किलो के करीब। अब इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे वो बता दो। इसमें जा रहा है ज़ीरा, लौंगें और दालचीनी, सूखा धनिया पाउडर फॉर्म में, हल्दी, नमक, मिर्च, बड़ी इलायची, और साथ में मैंने ऐड किया है इसमें काला ज़ीरा। और अलग से इसके अंदर मैंने एक और प्याज लिया है बड़े साइज़ का, उसकी स्लाइस कटिंग कर ली है। और वो जो मैं इसको गोश्त को फ्राई कर रही थी, इसके अंदर मैं मज़ीद प्याज डाल के ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो, और बड़ा मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट किस्म की आपकी ये कढ़ाई तैयार होगी। और ये बादशाहों को बड़ी पसंद हुआ करती थी, जब वो शिकार पे जाते थे तो वो क्या करते थे, इसको इसी तरीके से रोस्ट कर लेते। अब ये जो मैं मसाले थे जितने भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप इसको मैरिनेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा देर से गलता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे मेरे स्टेप्स को, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बनेगा। हर कोई हिरण का गोश्त पसंद नहीं करता। जिन लोगों को शिकार का शौक़ होता है वो लोग ज़्यादा शौक़ से बनाएंगे और खाएंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, और इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में, और फिर उसका जो नेक्स्ट मेरा प्रोसीजर होगा वो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। और इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए विसल लगा दिया, और इसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने इसको कढ़ाई के अंदर। देखिए क्या मज़ेदार किस्म का, और कितनी खुशबू आ रही है मेरे किचन में, और कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त हो गया। टमाटर की पेस्ट मैंने इसके ऐड की थी, तकरीबन 3 अदर टमाटर लेके उनको मैंने पेस्ट में कन्वर्ट कर ली, यानी कि पेस्ट बना ली थी, और मैंने इसके अंदर हिरण के गोश्त के अंदर ऐड कर दिया। और आप लोग जब ये हिरण का गोश्त खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी और, यानी कि बकरे के अलावा या किसी और दुम्बे का या किसी ऐसे जानवर का गोश्त खा रहे हैं जो आपने पहले ना खाया हो। ऐसा लगेगा कि पहले भी आप लोग खाते रहते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग शिकार का शौक़ रखते हैं और वो शिकार करके लाते हैं, और वो अगर रोस्ट करके खाते हैं, तो इस तरीके से भी हिरण का गोश्त बना के खाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी पावर आएगी, और जहन भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। और इसमें ये आपकी याददाश्त में भी इजाफा करता है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको मैंने हरी मिर्च और धनिया और जुलियन कटी अदरक के साथ डन कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको गरम गरम रोटी और नान के साथ खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। खुदा हाफिज़।